सो फ्रेंड्स, आज हम बैटल करने जा रहे हैं यूनिकॉर्न स्टिंग वर्सेस डबल ड्रैगन और वुल्फ ब्लेड। और आज हम ये देखेंगे कि यूनिकॉर्न स्टिंग कितना स्ट्रांग है और इनके हेवी अटैक्स को झेल पाता है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिकॉर्न स्टिंग के बारे में, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक ही बेबिट के अंदर अटैक और डिफेंस का कॉम्बो दे दिया गया, जिस वजह से बैटल के दौरान इसे प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कब अटैक करेगा, कब डिफेंस करेगा, ये कोई पता नहीं लगा सकता। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके अंदर गियर नेडल, जिस वजह से एक्सीड बेस तो कर ही सकते हैं, पर साथ ही इसका स्टेमिना भी बढ़ा देता है। यह है डबल ड्रैगन और ये एक प्योर अटैक टाइप बेब्लेड है, और इनका पूरा फोकस अटैक के ऊपर ही होता है, और इस वजह से इनका अटैक का इम्पैक्ट काफी हेवी होता है, पर इसी वजह से इनका डिफेंस और स्टेमिना काफी कम हो जाता है। और यह है वुल्फ ब्लेड। वैसे कहने को तो अटैक टाइप बेबेड है, पर इनकी हरकतें बैलेंस टाइप बेबेड जैसी है। अगर आप इनकी अटैकिंग एजेस को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इनकी जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नहीं बल्कि मीडियम एग्रेसिव, जिस वजह से इनका अटैक का इम्पैक्ट काफी मीडियम हो जाता है, पर इनके सर्कुलर डिजाइन की वजह से ये थोड़ा सा डिफेंस भी कर लेता है। और दोस्तों, ये वाले जो पार्ट है इसे मैंने पहले काफी बड़े बना दिए थे, तो इसे मैंने तोड़ के हटा दिया और मैंने एक और एनर्जी रिंग बनाया, और इस बार मैंने इसे छोटा बनाया और इस बार पहले से काफी अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बैटल शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बैटल शुरू करते हैं। यूनिकॉर्न स्टिंग गया, अभी बारी डबल ड्रैगन की। और डबल ड्रैगन, ओहो काफी बढ़िया अटैक, ओहो। अरे गाइस, यहां पर यूनिकॉर्न स्टिंग को स्टेडियम से आउट कर दिया गाइस। तो यहां पर मैंने फर्स्ट मैच जीत चुका है डबल ड्रैगन, तो गाइस काफी खतरनाक मैच रहे गाइस। तो ये गया यूनिकॉर्न स्टिंग और गाइस अभी डबल ड्रैगन, देखते हैं इस बार को। ओहो, अरे अरे गाइस, मुझे लगता है, अरे तो गाइस दूसरी बार भी हमारा डबल ड्रैगन जीत चुका है गाइस। डायरेक्ट स्टेडियम से आउट कर दिया हमारे यूनिकॉर्न स्टिंग को। तो मुझे लगता रिप्ले करके देखना पड़ेगा गाइस। थर्ड बैटल, 3-2-1, यहाँ पर गया यूनिकॉर्न स्टिंग, अभी बारी डबल ड्रैगन, चल का देखते इस बार से हरा पाता है या नहीं। और ये एक्सटेंडर, ओहो काफी बढ़िया टक्कर हवा में उछाल दिया था डबल ड्रैगन को स्टिंग के डिफेंसिव हमले ने, ऐसा मेरे को लगा गाइस। यहाँ पर हमारे यूनिकॉर्न स्टिंग ने काफी अच्छा डिफेंस किया और डबल ड्रैगन को हवा में उछाल दिया था थोड़ा सा, पर दोस्त लगता है कि यहाँ पर स्टेमिना में, ओहो काफी बढ़िया टक्कर एंडिंग में, डबल ड्रैगन काफी खतरनाक टक्कर थी एंडिंग में, पर हमारे यहाँ पर यूनिकॉर्न स्टिंग जीता बैटल में। चल दोस्त, अभी बारी हमारे वुल्फ ब्लेड की, देखते हैं ये से हरा पाता है या नहीं। और गाइस इनके कलर लगभग सेम टू सेम ही है, तो बैटल में थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है। चलो दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। तो चलो दोस्तों, बैटल शुरू करते हैं। यहाँ पर यूनिकॉर्न स्टिंग वर्सेस वुल्फ ब्लेड, तो यह क्या यूनिकॉर्न स्टिंग अभी वुल्फ ब्लेड, देखते हैं क्या होता है बैटल में। ओ, अरे अरे अरे, मैं बच गया गाइस, अच्छा मेरे पर उड़ के नहीं आया। 3-2-1, ये क्या यूनिकॉर्न स्टिंग, अभी बारी वुल्फ ब्लेड की। ओहो, एक्सटेंड पे से मिस हो गया, ओहो फिर से मिस हो गया। तो गाइस यहाँ पर यूनिकॉर्न स्टिंग भाग भाग के एक्सटेंड डेस को वेस्ट कर रहा है, काफ़ी बढ़िया चालाकी या फिर बैटल टैक्टिक्स कहेंगे, बैटल टैक्टिक्स। यूनिकॉर्न स्टिंग जीत जाता है बैटल में। चलो बढ़ते सेकंड बैटल की तरफ और देखते कौन जीतता है। 3-2-1, यहाँ पर क्या यूनिकॉर्न स्टिंग, अभी बारी वुल्फ ब्लेड, और एक वुल्फ ब्लेड, ओहो मिस हो गया, फिर से मिस। अरे 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 भाई, कोई ज़्यादा ही पावर लगा देता है कभी कभी वुल्फ ब्लेड और बैरियर पे चढ़ के अटैक करने लगता है। और यहाँ पर दोनों का, ओहो काफ़ी बढ़िया अटैक, काफ़ी बड़ा अटैक कर रहा है, और यहाँ पर हमारा जीत चुका है यूनिकॉर्न स्टिंग फिर से एक बार मैच। 3-2-1, यहाँ पर गया यूनिकॉर्न स्टिंग, अभी बारी वुल्फ ब्लेड, ओहो चिंगारी निकल गई, और एक्सट्रीम डेस, ओहो मिस कर दिया, अरे फिर से मिस कर दिया, दो दो एक्सट्रीम डेस मिस कर दिए यहाँ पर। ओहो तो गाइस यूनिकॉर्न स्टिंग मैदान में भाग रही, जिस वजह से सभी के एक्सट्रीम डेस मिस हो रहे हैं यहाँ पर, और इसी वजह से फिर से जीत जाता है हमारा यूनिकॉर्न स्टिंग यहाँ पर। तो दोस्तों, डबल ड्रैगन के मैचेस में काफ़ी ज़्यादा मजा आता है दोस्तों, एक बार फिर से बैटल करते डबल ड्रैगन के साथ। 3-2-1, यहाँ पर गया यूनिकॉर्न स्टिंग, अभी बारी डबल ड्रैगन, डबल ड्रैगन का अटैक काफ़ी जोरदार रहता है। ओहो, ओहो फिर से मिस हो गया, फिर से मिस हो गया, काफ़ी सारे मिस हो गए। अरे बैटल तो खत्म हो देता, पाँच बार आज मैं उठाता हूँ। और यहाँ पर हरा दिया गया है डबल ड्रैगन को, चल गए एक और बार लॉन्च करते हैं। ओहो कहीं बड़ा टैक, और क्या है क्या ही क्या ही, अरे भाई, और ये, अरे फिर से मिस हो गया थोड़ा सा।
तो गाइज वाह भाई स्लो स्पीड में काफी जोरदार टक्कर देता है ये दोनों बेबलेट। तो चलो दोस्तों अब एक ही साथ सभी को लॉन्च करते हैं, देखते हैं कि इस खतरनाक बैटल रॉयल में कौन जीतेगा। तो यह है बैटल रॉयल बेबलेट की, ये गया यूनिकॉर्न स्टिंग, अभी बारी वुड ब्लेड की और एक्शन डैश। ओहो काफी बढ़िया खतरनाक एक्शन डैश था, अगर लग जाता तो उड़ा ही देता। और अरे भाई बहुत ही कंट्रोल नहीं है हेल ड्रैगन डबल ड्रैगन को। और ये एक्शन डैश, अरे अरे ऊपर छोड़ गया, तो यहाँ पर हार चुका है। बुलेट फिर से लॉन्च करते हैं इनको, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर छूट के जा रहा है। ओह काफी बड़ा अटैक उनकी भी, अरे बचे गाइस, अच्छा मुझे नहीं लगा गाइस, ऐसा होता तो मुझे कभी डर लगता है। और ये ओहो काफी बढ़िया अटैक था डबल ड्रैगन का। ओहो यूनिकॉर्न सिंह ने इस बार अटैक किया, काफी जोरदार अटैक किया इस बार यूनिकॉर्न सिंह ने। और लगता है इस बार फिर से कोई जीतने वाला है, लगता है स्टेमिना क्योंकि इसका गियर पॉइंट शायद इसे कहते हैं और इसी की वजह से हमारा जीत जाता है यूनिकॉर्न सिंह यहाँ पर। तो चलो दोस्तों फिर से एक बार बैटल, तो गाइस बैटल खत्म करने का मेरा मन ही नहीं कर रहा, काफी मजा आ रहा है। ओहो इस बार बहुत ही गंदी तरीके से टक्कर दिया है भाई वुड प्लेट ने, मुझे यहाँ से ये कट करके हटाना होगा ताकि बाहर से उड़ा सके। और यहाँ पर अपनी स्टेमिना के चाल चलते हुए यूनिकॉर्न स्टिंग जीतने के फिरात में, और मुझे लगता है अब इनकी चाल कामयाब हो गई और वो जीत चुके हैं। चल गाइस एक बार फिर से बैटल रॉयल करते हैं। तो क्या समर स्टेडियम काफ़ी बड़ा तो इसमें बैटल रॉयल करने में काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आती, काफ़ी अच्छे से हो जाती है। चल दोस्तों शुरू करते हैं, 3-2-1 यहाँ पर गया अभी डबल ड्रैगन। ओहो काफ़ी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है यहाँ पर, अरे अरे भाई ये तो स्टेमिना ही खत्म कर दी इतना। तो गाइस मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे फिर से स्टॉपर लगाना होगा। 3-2-1 यहाँ पर गया यूनिकॉर्न स्टिंग की बारी। ओहो बहुत और बहुत ही गंदा टक्कर हुआ गाइस, बहुत गंदा टक्कर हुआ। और गाइस मैं बैटल देखते रहते लॉन्च करने भूल जाता हूँ। काफी बड़ा टक्कर लेटा और ये हेल्थ ड्रैगन इधर उधर उछलते जा रहे, और काफी बड़ा टक्कर दोनों में लगता है हेल्थ डबल ड्रैगन जाने वाले यहाँ पर। यूनिकॉर्न सिंह ने काफी अच्छा टक्कर दिया और यहाँ पर लगता है हमारा यूनिकॉर्न सिंह और ये भी गया और जीत चुका है हमारा वुल्फ प्लेट। तो चलिए दोस्तों आज की बैटल में आपको मजा आते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, और जल्द ही मैं नए बेबेट एक्स भी बनाने वाला हूँ और मेटल सिर की बेबेट भी बनाने वाला हूँ, तो चैनल पर विजिट करते रहेगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।